नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्यूक 390 BS6 के सभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। दोस्तों, अगर आप ये बाइक खरीदने जा रहे हो तो आपको ये वीडियो को ज़रूर देख लेना चाहिए, वो भी पूरा देख लेना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके सभी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से और डिटेल में बताया है। सो दोस्तों, आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप कोई भी सवाल पूछो, कभी भी पूछो, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। तो दोस्तों, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। दोस्तों, यहाँ पर हम पहले बाइक के यानी कि ड्यूक 390 के सभी पॉजिटिव यानी कि प्रोस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा पहला पॉजिटिव पॉइंट यानी कि एडवांटेज निकल करके आ जाता है, वो है कि दोस्तों इसमें पावर काफ़ी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। दोस्तों, मोस्ट ऑफ बाइक्स में BS6 में क्या हुआ है कि BS6 में जितने भी बाइक्स आई है उन सभी में जो पावर है वो आपको कट डाउन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर ड्यूक 390 में आपको वही सेम पावर देखने को मिलता है जो कि आपको पहले देखने को मिलता था BS4 वर्जन में भी। यानी कि इसका जो पावर है, इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका जो एक्सीलरेशन है, वो आपको अभी भी वैसा ही बेटर देखने को मिल जाता है जैसा कि आपको पहले देखने को मिल जाता था। इसके पावर में आपको कोई भी कमी या कटौती देखने को नहीं मिलेगी। सो दोस्तों, अभी जो हमारा सेकंड एडवांटेज निकल करके आ जाता है वो है कि इसका प्राइस। दोस्तों, BS6 बाइक में यानी कि BS6 वर्जन जब आया मार्केट में, और BS6 वर्जन में जितने भी बाइक है, तो दोस्तों बेसिक से बेसिक बाइक यानी कि 110 सीसी के जितने भी बाइक थे, वहाँ से लेकर के 150 सीसी के बाइक तक सबका प्राइस 5000 से लेकर के 10000 तक बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ पर इसका जो प्राइस बढ़ा है ड्यूक 390 का, वो आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर प्राइस तो बढ़ते हुए देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपको एक एक्स्ट्रा फीचर यानी कि क्विक शिफ्टर भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर इसमें ड्यूक 390 में सिर्फ इसका जो प्राइस हाइक हुआ है वो आपको सिर्फ 5000 ही ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको कलर भी और बेटर देखने को मिल जाता है, प्लस इसमें आपको क्विक शिफ्टर भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, और अभी भी ये बाइक अपने सेगमेंट के अंदर वैल्यू फॉर द मनी बाइक बनी हुई है। थर्ड जो हमारा एडवांटेज है वो है कि इसके फीचर्स। दोस्तों, अगर हम प्राइस सेगमेंट के हिसाब से भी देखें या फिर अगर हम CCA के हिसाब से भी देखें, तो ये जो बाइक है ये सबसे ज़्यादा फीचर लोडेड बाइक आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एक ऑल डिजिटल कंसोल देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, ड्यूल चैनल तो ABS इसमें आपको देखने को मिल जाता है, प्लस इसमें आपको स्विचेबल ABS भी देखने को मिल जाता है, हैजार्ड लाइट देखने को मिल जाता है, क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाता है, स्लीपर क्लच देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है, और दोस्तों लुक वाइज भी आपको काफ़ी बेहतर और प्रीमियम बाइक देखने को मिल ही जाती है। तो दोस्तों, ये तो था हमारा थर्ड एडवांटेज। अभी अगर हम हमारे फोर्थ एडवांटेज की बात करें तो दोस्तों वो हैं इसके लुक्स। दोस्तों, यहाँ पर इसके जो लुक्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, बस खाली इसके कलर्स और ग्राफिक्स में ही चेंज किया गया है, लेकिन दोस्तों अब ये बाइक का जो लुक है आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलता है, काफ़ी एग्रेसिव देखने को मिल जाता है, और अभी जो इसमें दो न्यू कलर्स लॉन्च किए हैं, ये दोनों उन दोनों न्यू कलर्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ये बाइक आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, कलर और ग्राफिक्स के मामले में भी इस बाइक का कोई काट नहीं है। अभी जो हमारा नेक्स्ट और फिफ्थ एडवांटेज निकल करके आता है वो है दोस्तों इसकी हैंडलिंग। दोस्तों, KTM ने इसके हैंडलिंग के ऊपर बहुत काम किया है, इसकी हैंडलिंग जो है आपको सिटी में काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाती है, और इसका जो वेट है उसको भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लिया गया है। दोस्तों, इस बाइक का जो वेट है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है इसके CC के हिसाब से, और इसकी हैंडलिंग भी आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपको एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक में देखने को मिलती है, सेम वैसी हैंडलिंग आपको इसमें भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, अभी हमारे छठी और लास्ट जो एडवांटेज है वो है कि इसकी प्रीमियमनेस, इसके प्रीमियम पार्ट्स, इसके प्रीमियम कंपोनेंट्स। दोस्तों, इस बाइक का जो फिट एंड फिनिश है, इस बाइक की जो प्लास्टिक क्वालिटी है, इस बाइक की जो बिल्ट क्वालिटी है, इस बाइक की स्विच गियर क्वालिटी, वो काफ़ी बेहतर और बेस्ट इन सेगमेंट देखने को मिल जाती है। इसमें जो ब्रेक्स इस्तेमाल किए गए हैं, इसमें जो टायर्स इस्तेमाल किए गए हैं, इसका जो सस्पेंशन चेसिस हैं, वो भी आपको काफ़ी प्रीमियम कंपोनेंट्स के साथ देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों, ये जो बाइक है, अगर ये बाइक ऑलमोस्ट 2,90,000 की आती है, तो आपको चीज़ भी वैसी प्रोवाइड करती है, प्रीमियमनेस भी आपको KTM वैसी देती है। सो दोस्तों, प्रीमियमनेस के मामले में ये बाइक
किसी से भी कम नहीं है, अपने प्राइस को ये अच्छे तरीके से जस्टिफाई करती है। सो दोस्तों, यहाँ पर तो हमने इस बाइक के सभी एडवांटेजेस के बारे में बात कर लिया, अभी हम इस बाइक के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस बाइक में जो डिसएडवांटेज मैंने नोटिस किया, मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैं इस बाइक को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जितने भी डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ वो आप ज़रा सुनो, अगर आपको लगे कि हाँ ये जो डिसएडवांटेज है ये मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम जैसा लग रहा है, तब आप इस बाइक को खरीदना ना खरीदना आप अपने हिसाब से सोचना, लेकिन डिसएडवांटेजेस के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। सो दोस्तों, इसका जो पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आप इस बाइक को सिटी के लिए ख़रीदना चाहते हो तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे सिटी के लिए मत खरीदना। अगर आप इसे टूरिंग करना चाहते हो या फिर हाईवे पर राइड्स करना चाहते हो या रेस करना चाहते हो तो ये बाइक उसके लिए ज़्यादा बेटर है। दोस्तों, इसका जो सस्पेंशन है वो आपको स्टिफ देखने को मिलता है, इसका सस्पेंशन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, आपको छोटे से छोटे गड्ढे रोड पर महसूस हो जाएंगे। और अगर हम इसके लो रेंज की बात करें तो इसका लो एंड में जो आरपीएम है, यानी कि इस बाइक का जो इनिशियल आरपीएम है उसमें आपको पावर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है, तो सिटी में आपको चलाना इसको थोड़ा सा मुश्किल देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस कम है, और सबसे मेन प्रॉब्लम अगर हम इसके सीटिंग हाइट की बात करें तो इसका जो सीटिंग हाइट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जिस वजह से इस बाइक को सिटी में मैनेज करना, ट्रैफिक में मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, इस बाइक में आपको वाइब्रेशन का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। अभी दोस्तों, अगर हम हमारे सेकंड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो दोस्तों वो है कि इसका क्विक शिफ्टर, दोस्तों इसका जो क्विक शिफ्टर है वो उतना बेटर, उतना अच्छे से, उतना स्मूथली काम नहीं करता है जितना करना चाहिए। दोस्तों, क्विक शिफ्टर क्या होता है, अगर आप शिफ्टर को ऑन कर देते हो तो आप सर्टेन, यानी कि 4000 आरपीएम के बाद आप जब भी गियर चेंज करो गियर को स्मूथली चेंज होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ड्यू 390 में स्मूथली चेंज नहीं होता है। जब भी आप क्विक शिफ्टर का इस्तेमाल करते हो, जब भी आप गियर चेंज करते हो तो आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको देखने को नहीं मिलना चाहिए। क्विक शिफ्टर इसमें है, अच्छी बात है, काम करता है, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन जो स्मूथनेस होनी चाहिए वो स्मूथनेस इसके क्विक शिफ्टर में नहीं है। सो दोस्तों, अभी अगर हम हमारे थर्ड डिसएडवांटेज की बात करें कि अगर आप समझो कि आप एक स्पोर्ट्स बाइक लेना चाहते हो, स्पेशली ड्यूक 390 लेना चाहते हो, और अगर आप एक एक्सपीरियंस राइडर नहीं हो, आपने ड्यूक 390 से पहले कोई भी 200 सीसी की सेगमेंट की बाइक को चलाया नहीं है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपके पास राइडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, आपने 200 सीसी की बाइक को चलाया नहीं है, ख़रीदा नहीं है, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप इस बाइक को मत खरीदना, मत चलाना, अगर आप एक बिगिनर हो तो। अगर आप एक इंटरमीडिएट हो, आपने काफ़ी सालों तक बाइक चलाया है, तो आप इस बाइक को ख़रीदना तो आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। बिगिनर लोगों के लिए जो बाइक है ये एक काफ़ी डेंजरस बाइक है, इसके पावर को बिगिनर संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों 0 to 100 ये बहुत ही आसानी से चले जाइए। इसकी टॉप स्पीड आपको 175 की देखने को मिल जाती है, जहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छे से चली जाती है। ड्यूक 390 के लिए 110, 120, 130 कोई बड़ी बात नहीं है, और इसका जो पिकअप है वो भी आपको काफ़ी पावरफुल देखने को मिल जाता है, तो अगर आप एक बिगिनर राइडर हो तो इस बाइक को थोड़ा सा अवॉइड करना। सो दोस्तों, अभी जो हमारा लास्ट डिसएडवांटेज निकल करके आता है वो है कि इसमें हीटिंग इशू। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं जरा आपको हीटिंग के बारे में बात करूँ, तो आप कोई भी स्पोर्ट्स बाइक ले लो उसमें आपको हीटिंग देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसके इंजन को डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि उसमें परफॉर्मेंस आपको मैक्सिमम देखने को मिल जाए। तो ड्यूक 390 के साथ भी ऐसा ही है, इसमें आपको सिंगल सिलेंडर का इंजन देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको मैक्सिमम पावर आउटपुट देखने को मिल जाता है, जिस वजह से कि इसमें आपको हीटिंग इशू देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका जो हीटिंग है जितना होना चाहिए उसका मुकाबले थोड़ा सा और ज़्यादा देखने को मिल जाता है, तो अगर आप कभी इसको सिटी में स्पेशली ट्रैफिक में लेकर के फंस जाते हो तो सच में आपको कुछ ज़्यादा हीटिंग इशू देखने को मिल जाएगा। इसका जो फ़ैन है वो हमेशा ही घूमता रहेगा, तो इस बाइक का जो हीटिंग इशू है वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। सो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पर मैंने आपको ड्यूक 390 BSX के सभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दिए हैं। दोस्तों, आपके मन में कोई भी सवाल हो तो मेरे WhatsApp ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप मेरे को जब भी जो भी सवाल पूछना चाहो पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पर अपने वीडियोस के लेटेस्ट भी अपडेट्स देता रहूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
भाई को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबाके लाके शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबाके, लाइक ठोकी, लाइक और शेट ठोक दीजिए, संख्या 5000 क्रॉस हो जाए, महाकाल के आशीर्वाद से एकदम जो है लाइक और शेट बनता है बेटा, दबाके लाइक और शेट ठोक दे, महाकाल के आशीर्वाद से लाइक और शेट बनता है, महाकाल के आशीर्वाद से ठोकी दबाके लाइक और शेट, वो लाइक शेयर बनता है, जोड़िए, ऐसे काम नहीं चलेगा आपके लिए, फटाफट।